के अंदर हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर द इंटरनेट कवर करने जा रहे हैं। पहले नॉर्मली वीडियो में मैंने इंटरनेट के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया था। इस वीडियो में हम नॉर्मली समझेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्शन कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट क्या होता है? एक ग्लोबल सिस्टम होता है जो कि हमारे किसके बीच में होता है? कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में होता है। यानी कि एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर को ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटरनेट का, जो एक नेटवर्क के थ्रू होता है। दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, जो किसके थ्रू यूज किया जाता है? TCP IP या फिर IP जिसको हम कह सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क्स एंड डिवाइस किस लिए यूज किया जाता है? नेटवर्क और डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता है। क्यों? दैट कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्किंग ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्कोप। ये क्या करता है? किसी भी प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस या गवर्नमेंट नेटवर्क को लोकल से ग्लोबल स्कोप तक ले जाता है, यानी कि छोटे से बड़े दायरे में ले जाता है। ठीक है, लिंक बाय द बोर्ड एरे ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, वायरलेस के थ्रू या फिर ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, तो इंटरनेट यही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्किंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट वर्क कैसे करता है? इंटरनेट वर्किंग बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसका मेन फैक्ट हमारा क्या है? क्लाइंट और सर्वर। यानी इंटरनेट दो ही चीज पे हमारा वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट इज अ यूजर। क्लाइंट क्या होता है? एक यूजर होता है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करता है या सिस्टम को यूज करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा क्लाइंट। सर्वर क्या होता है? सर्वर होता है जो कि क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, सर्वर क्या करता है? हमारे क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि हमारा सर्वर घर हो गया और हम यानी कि कोई भी उस घर का पर्सन उस घर के लिए क्या हो गया? क्लाइंट हो गया। ठीक है, अगर क्लाइंट को यानी उस पर्सन को घर के अंदर जाना है यानी सर्वर के अंदर जाना है तो परमिशन लेगा। फर्स्ट थिंग, परमिशन लेगा घर के अंदर जाने के लिए। तो सर्वर सबसे पहले क्या हमें प्रोवाइड करता है? ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। परमिशन यानी ऑथराइजेशन। ठीक है, तो क्लाइंट और सर्वर यही वर्क करता है। क्लाइंट हमेशा सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को रीड करता है। अगर वह रिक्वेस्ट फुलफिल कर पाता है यानी रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेशन दे पाता है तो उस क्लाइंट को एंट्री करता है, अदरवाइज उस क्लाइंट को डिक्लाइन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या क्या एडवांटेज है? द मेन एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट इज इट्स एबिलिटी टू कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइस टू ईच अदर। इसका मेन एडवांटेज क्या है? कनेक्शन। ठीक है, सबसे बड़ा चीज इसके अंदर क्या है? कनेक्शन। बिलियंस कंप्यूटर को यानी कि बिलियंस कंप्यूटर को एक साथ या फिर उसके डिवाइस को एक दूसरे के साथ यह कनेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें, नॉट ओनली डज द इंटरनेट क्रिएट कन्वर्सेशंस इन कन्वीनियंस इन शेयरिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन यूजर्स। अनदर एडवांटेज ऑफ द मॉडर्न इंटरनेट एबिलिटी टू ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, यानी कि हमारा इंटरनेट ऑटोमेटिक वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी चीज को ओपन कर रहे हैं, जैसे हम सर्च करते हैं क्या यूट्यूब के अंदर, कोई भी एक वीडियो सर्च करते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो से रिलेटेड सारा वीडियो ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, हम तो सिर्फ एक पॉइंट लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा क्लास 10 कंप्यूटर, तो ऐसा नहीं क्लास 10 कंप्यूटर का सिर्फ एक वीडियो आएगा। क्लास 10 कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वीडियो यूट्यूब में अपलोडेड हैं वो सभी क्या है वहाँ पे हमें दिखेंगे। यही हमारा क्या कहलाता है? ऑटोमेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्या कहता है इंटरनेट का हमारा, कि इंटरनेट किस किस चीज पे वर्क करता है, किस किस के थ्रू वर्क करता है। फर्स्ट है हमारा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? इंटरनेट को हम जिस ब्राउजर, जिस एप्लीकेशन के थ्रू ओपन या यूज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वेब ब्राउजर। जैसे कि एग्जाम्पल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ठीक है, ओपेरा, ये सब क्या है? ब्राउजर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? वेब यानी इंटरनेट, इंटरनेट के अंदर का जो सर्वर है। वेब क्या है? इंटरनेट का एक सब्सटेंस है या फिर एक पार्टिकल है या फिर एक
टर्मोलॉजी है जो कि हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारे फैसिलिटी को। तो सर्वर हमारा क्या काम करता है, सर्वर सारे वेब के डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। वेब सर्वर यानी कि इंटरनेट का जो भी डेटा है वो हमारे किसके अंदर होगा, वेब सर्वर के अंदर होगा। वेब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वेब यानी वेबसाइट, ठीक है। वेब यानी वेबसाइट मतलब हर एक अलग अलग वेबसाइट का एक अलग अलग सर्वर होता है जो सारा किसके अंदर होता है, इंटरनेट के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारा वेब क्लाइंट। जब भी कोई सर्वर, जब भी कोई यूजर किसी सर्वर के थ्रू कनेक्ट होता है तो दो तरह का वहाँ पे इंटरफेस बनता है, एक सर्वर में एक क्लाइंट के पास। जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या है, हम सर्वर को यानी कि फेसबुक को हम अपना आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। आईडी प्रोवाइड पासवर्ड हमें कहाँ, हमारा स्टोर कहाँ होता है, जाके हमारे सर्वर पे। वो सर्वर हमें क्या है, उसके बिहाफ में बहुत सारा चीज यानी कि फेसबुक के अंदर एंटर होने का अलाउंस देता है, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हो गया, वेब क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट का एक सर्वर, क्लाइंट के अंदर सर्वर बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेब पेज। किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत सारे पेजेज का यूज किया जाता है जो कि हमारा वेब पेज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है, बहुत सारे वेब पेज को मिला के एक वेबसाइट का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट है होम पेज। होम पेज क्या होता है, किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज जो होता है यानी मेन पेज जो होता है ये क्या कहलाता है, हमारा होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा URL। URL क्या होता है, URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि सर्वर पे यानी कि इंटरनेट पे हम उस एप्लीकेशन को कहाँ से सर्च करें या फिर कहाँ से ढूंढें, यह हमारा किसके अंदर होता है, URL के अंदर। URL क्या होता है, एक लोकेटर होता है जो हमें सर्वर से हमारे सर्च इंजन तक उस साइट को यानी उस एप्लीकेशन को लाने का काम करता है। जैसे हम फेसबुक सर्च करते हैं तो फेसबुक नेटवर्क में कहाँ स्टोर है या वर्क कौन करेगा ढूंढने का, URL, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेब एड्रेस। सेम चीज है, वेब एड्रेस क्या होता है, एक एड्रेस होता है, ठीक। जैसे फेसबुक www.facebook.com, ये क्या हो गया, हमारा फेसबुक का एक्चुअल एड्रेस हो गया जो कि वेब के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सेम हमारा होता है आईपी एड्रेस, वेब एड्रेस दोनों सेम है, बट डिफरेंस क्या है, आईपी एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ कोड होता है जबकि वेब एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ नेम या फिर नॉर्मली ह्यूमन लैंग्वेज में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HTML। HTML बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के लिए यानी इंटरनेट के लिए। क्यों, क्योंकि इंटरनेट के अंदर जितने भी वेब पेज बनते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि हमें वेब पेज के क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि HTML के थ्रू हम किसी भी वेब पेज का क्रिएशन करते हैं। HTML के थ्रू ही हम वेब पेज बनाते हैं। तो जब वेब पेज HTML के थ्रू बन रहा है यानी कि इंटरनेट में HTML का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, सम रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट यानी इंटरनेट जिसके थ्रू वर्क करता है। फर्स्ट हमारा TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखते हैं क्या है, द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ एड्रेस सिस्टम ऑफ द इंटरनेट एंड हैज द कोर फंक्शन ऑफ डिलीवरिंग पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स डिवाइस टू अ टारगेट डिवाइस। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, हमारा एक सिस्टम का एड्रेस होता है इंटरनेट पे जो कि क्या करता है, हमारे सोर्स डिवाइस से टारगेट डिवाइस, जैसे System 1 to System 2 अगर हम किसी भी डेटा को भेज रहे हैं तो सिस्टम वन जिस डेटा से भेज रहे हैं हमारा सोर्स हो गया, टारगेट जहां हम भेज रहे हैं वो हमारा सिस्टम टू हो गया। तो इस डिवाइस के बीच में क्या करता है, डिलीवरी के लिए एक पैकेज बनाता है, ठीक है। TCP क्या होता है, द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द मेन प्रोटोकॉल। ये क्या है, मेन प्रोटोकॉल किसका, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का यह मेन प्रोटोकॉल है। इट ऑर्गेनाइज इन द इनिशियल नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन इन विच कम्प्लीमेंटेड द इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह क्या है, एक ऑर्गेनाइज इनिशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या काम करता है, किसके लिए, नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, नेटवर्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SMTP। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नॉर्मली क्या है, सिंपल मेल मतलब ईमेल से रिलेटेड है। मेल क्या होता है, एक टेक्स्ट को हम जब एक
प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड करते हैं नॉर्मली, वो क्या कहलाता है हमारा, मेल कहलाता है, ठीक है। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब हम किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ईमेल। तो एसएमटीपी भी क्या है, एक तरह का ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। द एसएमटीपी इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वे में हम जब हम अपने मेल को सेंड करते हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं, एसएमटीपी। नेक्स्ट है हमारा एचटीटीपी। एचटीटीपी क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी क्या होता है, यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। किस तरह का प्रोटोकॉल है, एक एप्लीकेशन टाइप का प्रोटोकॉल है। फोर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटिव हाइपर मीडिया इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि क्या करता है, हमें हाइपर मीडिया को सेंड करने के लिए, हाइपर मीडिया के इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए या फिर उसको बनाने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। हाइपर मीडिया क्या होता है, एक ऐसा मीडिया होता है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट के साथ वीडियो ऑडियो भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एफटीपी। एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी इज स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल। यह किस तरह का प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है, यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि क्या करता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइल ट्रांसफर यानी कि किसी भी फाइल के ट्रांसफर के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफर किसके किसके बीच में होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, इसके अंदर किसी भी एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। जब किसी कंप्यूटर को हम नेटवर्क के थ्रू ऐड करते हैं तो हमारा दो इंटरफेस क्रिएशन होता है, एक क्लाइंट का एक सर्वर का। तो क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट के बीच में अगर कोई डेटा का ट्रांसफर करना है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, एफटीपी यूज नहीं करते हैं, यह हमें ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा टेलनेट। टेलनेट क्या होता है, टेलनेट इज अन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। टेलनेट क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है यूज इन इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के अंदर, टू प्रोवाइड बाई डायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेक्स ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी यूजिंग अ वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन। ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, एक बाई डायरेक्शनल इंटरेक्टिव यानी कि एक अलग टाइप का डायरेक्शनल, एक अलग डायरेक्शन में हमें क्या, वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन यानी कि एक ऐसा कनेक्शन प्रोवाइड करता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। वायर के थ्रू तो हम देख सकते हैं, वायरलेस में भी समझ में आता है रेंज से, लेकिन टेलनेट में क्या है, हमें समझ में नहीं आएगा कि कनेक्शन बर्न कैसे रहा है। जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल से किसी और के मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हम नॉर्मली मैसेज करते हैं, मैसेज उसके पास चला जाता है, लेकिन वो मैसेज जा कैसे रहा है, विद द हेल्प ऑफ टेलनेट। टेलनेट क्या करता है, हमने मैसेज टाइप किया जिस पर्सन का, सबसे पहले तो हमारे पास दोनों पर्सन यानी सेंडर और रिसीवर का डिटेल होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, रिसीवर का डिटेल हमारे पास है, मैंने क्या किया, मैंने टाइप किया मैसेज हाय सपोज, ठीक है। हाय मैसेज मैंने जैसे टाइप करके सेंड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैसेज कहाँ जाएगा, हमारे व्हाट्सएप एप्लीकेशन से हमारे व्हाट्सएप के सर्वर पे जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो व्हाट्सएप के सर्वर पे जाने के बाद क्या वो स्टोर हो जाएगा, व्हाट्सएप का सर्वर उसको मेन सर्वर के पास भेजेगा यानी जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर है उसके पास भेजेगा। वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर क्या करेगा, जिस पर्सन को हम सेंड कर रहे हैं उस पर्सन के व्हाट्सएप में हुआ सेंड करेगा, फिर बीच में काम कौन आएगा, व्हाट्सएप सर्वर। तो ये जो कम्युनिकेशन बन रहा है ट्रांसफर का डेटा का, ये हमारा किसके थ्रू बन रहा है, टेलनेट का, जो कि एक वर्चुअल है जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को मैंने नॉर्मल वीडियो में डिस्क्राइब किया था, आप उससे ही डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ऐसे समझ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट है हमारा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। व्हाट इज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल इट मींस सम रूल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमारे नेटवर्क के लिए यूजफुल होते हैं, नेटवर्क में यूज आने वाले हमारे जो रूल्स बने होते हैं कि नेटवर्क हमारा कैसे वर्क कर रहा है, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है, इसे लिख सकते हैं आप। सेकंड हमारा व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट सभी को पता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट ग्लोबल यूज नेटवर्क है जो कि यूज किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए जिसका हम यूज बहुत बड़े सेक्टर में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ इज अ वेबसाइट डिफरेंट फ्रॉम वेब पेज, कोई भी वेबसाइट किसी भी वेब पेज से कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वेबसाइट यानी एक एप्लीकेशन, वेब पेज मतलब एक नॉर्मल पेज, ठीक है। तो बहुत सारे पेज से मिलके क्या बनता हमारा, कंप्यूटर भूल के बात करते हैं, बहुत सारा पेज मिलके बनता हमारा क्या है, कॉपी या बुक,
ठीक है। तो हम पेज तो नहीं बोलते हैं बुक को, हम बुक बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से बहुत सारे वेब पेज से मिलके हमारा क्या बनता है, वेबसाइट, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को कि वेबसाइट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेज, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज रोल ऑफ टीसीपी आईपी इन नेटवर्क इन द वर्किंग ऑफ इंटरनेट। टीसीपी आईपी का क्या यूज है इंटरनेट के अंदर। टीसीपी आईपी क्या है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि हमारे डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। आईपी क्या है, यह भी एक एड्रेस प्रोवाइड करता है। टीसीपी आईपी हमेशा एक साथ वर्क करता है, यानी कि हमारा डेटा किसके थ्रू कम्युनिकेट या ट्रांसफर होता है, विद द हेल्प ऑफ एड्रेस। इसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आईपी एड्रेस नॉर्मली समझ में आ रहा आप लोग को कि कोई एक ऐसा एड्रेस जो कि नेटवर्क के द्वारा हमें प्रोवाइड होता है, हम अपना आईपी एड्रेस नेटवर्क के थ्रू ही गेन कर सकते हैं, यानी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम एक से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक डेटा को दूसरे पास भेज सकते हैं या दूसरे से अपने पास डेटा को रिसीव कर सकते हैं। टीसीपी आईपी का मेनली वर्क क्या है, टीसीपी आईपी क्या करता है, डेटा का ट्रांसमिशन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डिफाइन नेटवर्क या इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या होता है हमारा, मैंने अभी बताया था, अब फिर से एक बार देख लो। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या क्या है हमारा, वेब ब्राउजर है, वेब सर्वर है, वेब क्लाइंट है, वेब पेज है, वेबसाइट है, होम पेज है, यूआरएल है, वेब एड्रेस है, आईपी एड्रेस है और एचटीएमएल है। इन सभी को हम नॉर्मली डिफाइन कर देंगे तो क्या हमारा इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्रिएट हो जाएगा। यह बेसिकली एक क्रैश कोर्स वीडियो था जिसमें कि मैंने एक ओवरव्यू बताया आप लोग को कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और किस किस चीज के बारे में थोड़ा ज्यादा माइंड में देना है। ऐसे आप इस सभी चीज का डिटेल देखने के लिए मेन वीडियो में जाके, क्लास 10 का मेन वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हैं, और इन सभी क्वेश्चन आंसर का आंसर आपको ऑटोमेटिक वहां पे मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप वहां से डायरेक्टली देख के लिख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन फर्स्ट पीटी के लिए आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज इग्नोर नहीं कीजिएगा। और सेकंड थिंग, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करो, एक भी कमेंट किसी का नहीं आता है। एटलीस्ट कम से कम ये तो बताओ कि प्रॉब्लम है कहाँ, ताकि हम उसको और अच्छा बना सकें। थैंक यू।